गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 के अंदर आज अपने करेंगे एक्सरसाइज 2.3। 2.2 के कुछ क्वेश्चन अपने कर लिए थे, बाकी जो क्वेश्चन हैं आपको होमवर्क के लिए दिए थे। और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 2.3 के अंदर आपको क्या करना है, ये जैसे इक्वेशन दे रखी है आपको, इसके अंदर अननोन वैल्यू की जो वैल्यू निकालनी है, जैसे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसके अंदर इसको सॉल्व करेंगे अपने। 3x = 2x + 8। अब देखो ये अननोन है क्योंकि x है इसके अंदर, ये तो ये भी क्या है अननोन है 2x, और ये क्या है अननोन डिजिट है, तो मैं अननोन को एक तरफ ले जाऊंगा। 3x - 2x = 8। 3x - 2x, x = कितना होगा 8 होगा, ये आपको क्या आ गया आंसर। सिमिलरली अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इधर है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यानी 5t - 3 = 3t - 5। अब एक काम करेंगे, जो अननोन वैल्यू हो उनको एक तरफ करेंगे और नॉन वैल्यू को एक तरफ। तो ये 5t 3t, ये तो अननोन है, और -3 - 5 ये नॉन डिजिट है। तो 5t, ये 3t इधर इसको ट्रांसफर करेंगे तो किसका हो जाएगा -k 3t, और माइनस का 3 इधर करेंगे तो +3 - 5। 5t - 3t कितने बच गए, 2t = 3 - 5 कितने हो गए -2, और t = आएगा -2/2, कैंसिल हो गया, कितना बच गया -1, यानी टी की वैल्यू आपके पास, टी की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। यानी आप, अच्छा दूसरा तरीका इसका ये भी है कि आप, एक तो आप इसकी वैल्यू निकाल ली, कई बार क्या है क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक हो जाती है, तो आप इसको ना थोड़ा सा इसके अंदर वैल्यू पुट करके रख लो, देख लो, चेक कर लो आंसर अपना, वेरीफाई भी कर सकते हो। जरूरी नहीं होता कि आप हर क्वेश्चन के अंदर वेरीफाई करो, लेकिन आप इसके अंदर वेरीफाई करके अपना आंसर एकदम सेटिस्फाई कर लिया करो, भी अपना आंसर सही है। एक्स के अंदर 8 रखोगे तो ये दोनों जो साइड है वो इक्वल आएगी, और यहाँ पर अगर इसके अंदर टी की वैल्यू -1 रखेंगे इसमें और इसमें, तो भी ये वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, दोनों साइड इक्वल आएगी। तो इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या है, 5x + 9 = 5 + 3x। अब इसके अंदर 5x और 3x अननोन है, तो इसको सॉल्व करेंगे अपने। 5x + 9 = 5 + 3x। अब मैं काम करता हूँ, इस 3x को इधर ले आता हूँ, 5x - 3x, क्योंकि जब किसी डिजिट का आप साइड चेंज करते हो कोई भी टर्म्स का, तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। और 9 को इधर लेके जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा 5 - 9। 5x - 3x कितने बच गए, 2x = 5 - 9 - 4, और x की वैल्यू -4/2, कैंसिल हो गई, कितना आ गया x की वैल्यू -2 आ गई। सिमिलरली इस क्वेश्चन के अंदर हम सॉल्व करेंगे, तो ऐसे किसको करेंगे, 4z + 3 = 6 + 2z। अब सेम वही तरीका, इस 2z को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे और 3 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 4z - 2z = 6 - 3। 4z - 2z कितने बज गए, 2z = 6 - 3, 3 बज गए, और z की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो स्टूडेंट्स आज के लिए अपने टोटल 4 क्वेश्चन हैं जो आप करोगे, बाकी इसके जैसे जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप अपने लेवल पे करोगे। इसके आगे के जो क्वेश्चन है, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो तो खुद करोगे, उसके आगे के क्वेश्चन अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू।